है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। आप लोगों का भी विशेष पाठ जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित होंगे तो भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर वन आगे साथ साथ सारे कलम में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने शिक्षक भी बने सतगुरु भी बने और सर्वसम्मत भी निभाए ऐसा सत्युग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है और अभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परम आत्मा दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है पालना कर थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं क्या है चलते चलते अपने भाग्य को साधारण समझ लेते हैं श्रेष्ठ लेकिन समझ साधारण लेते साधारण होने के कारण जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए एक सेकंड भी भूल नहीं सकते लेकिन पाप मिल गया हो गया हमारा पाप के हो गए तो ये कामन समझ लेते हो है ना हमारा है तो नशा होना चाहिए ना फकर होना चाहिए ना। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे रसीली तान की ये डोर आपकी और ही खींचे आपकी और ही खींचे रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में ओम शांति ओम शांति। ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा
वायुमंडल का परिवर्तन करो, अटेंशन का फोर्स, निरंतर सहज योगी तो हो, सिर्फ इस याद की स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते रहो। पवित्रता की धारणा जब संपूर्ण रूप में होगी, तब आपके श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति लगन की अग्नि प्रज्वलित करेगी। उस अग्नि में सब किचड़ा भस्म हो जाएगा, फिर जो सोचेंगे वही होगा। विहंग मार्ग की सेवा स्वतः हो जाएगी। Then only that which you think about will happen, and fast service will automatically take place. Om Shanti. Om Shanti. ओम शांति। वेलकम। ओम शांति। आप सबका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज है 3/7, ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो। आज का टॉपिक है अटेंशन का फोर्स। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार, एवरीवन इज ओके। अव्यक्ति परिवार सब ठीक हैं? सब ठीक हैं। बाबा, ईच वर्ड इज लाइक ए स्क्रिप्चर। बाबा के एक एक महावाक्य शास्त्र के समान है, क्योंकि ये सब जो महावाक्य है उन्हें हमें समझना है, उनका अनुभव करना है और उनका प्रयोग करना है। जैसे आज बाबा ने कहा कि जब हमारी जो स्थिति है, अगर वो स्थिति हमारी कमल पुष्प समान है, तो हमें कमल पुष्प के ऊपर बैठने के लिए हमें बहुत हल्का रहना है। जैसे कमल पुष्प को हल्का होना चाहिए, और जैसे तालाब में भी जो कमल के जो पुष्प होते हैं और उनके पत्ते, वो पत्ते वो जो हरे होते हैं, और उसके ऊपर जब तालाब के कीचड़ के ऊपर जब फूल होता है तो बहुत सुंदर होता है। तो क्या वो पुष्प सुंदर है या डिटैच्ड है, क्या है सबसे पहले? तो ये जो कमल पुष्प है वो तालाब में जो भी कीचड़ा है उसको देखता भी नहीं है, और वो कीचड़ को अपने अंदर छूने भी नहीं देता है। हालांकि उसके जो जड़ है वो कीचड़ से लगी हुई है, तालाब के पास के अंदर से ही निकल रही है, लेकिन पुष्प कितना सुंदर लगता है, आप सबने देखा होगा। और ज्यादातर जो देवी देवता होते हैं उनकी आंखों को, उनके चरण को, उनके हाथ को सब, और उनका जो तख्त है वो सबको कमल पुष्प के समान उनकी बराबरी करते हैं। तो प्रश्न है, क्या मुझे डिटैच्ड साक्षी रहना है कमल की तरह, या तो उनकी तरह हमें सुंदर रहना है? तो क्या हमें प्यारा, मतलब न्यारा और प्यारा, क्योंकि अगर वो प्यारा है इस वजह से ही वो न्यारा है।
तो क्या सबसे पहले क्वालिटी आती है, न्यारा या प्यारा? तो प्यारा, प्यारा सबसे पहले आएगा, क्योंकि प्यारे का ही आकर्षण होता है। कई कहेंगे कि न्यारा ही, न्यारा होने से प्यारा बनता है, लेकिन जो हम देखते हैं अपने अपने जो आंखों से हम देखते हैं सब, तो वो क्या दिखता है? प्यारा दिखता है। इस वजह से बाबा ने ये संडे को कहा था कि हमें निरंतर, हमें उमंग उत्साह में रहना है, हल्का रहना है और खुश रहना है, क्योंकि तो आज की दुनिया में ये सब मिसिंग है। लेकिन हम कैसे इतने प्यारे बनेंगे? क्योंकि कभी कभी हम प्यारे बनते हैं, कभी कम बनते हैं, कभी ज्यादा। हम निरंतर प्यारे हैं, लेकिन कभी कभी कमी हो जाती है, तो उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या आप वाकई में साक्षी हैं? तो जब हम ब्रह्मा बाबा की ओर देखते हैं, दादी जी को देखते हैं, उन्होंने ये करके बताया, क्योंकि क्योंकि जब हम डिटैच्ड होते हैं, साक्षी होते हैं, तब ये प्रश्न उठता है कि ये कैसे कैसे कार्य होगा, कैसे कार्य चलेगा। लेकिन अपने हमें अपने अंदर ये समझ धारण करनी है कि हर एक संबंध संपर्क में एक रूहानी शक्ति होती है, हमें उसे समझना है। जब हम उसे समझते हैं तो हम प्यारे रह पाएंगे। तो जब मैं यहाँ पर आई थी, प्रवेश कर रही थी, तो एकदम से मुझे ये संकल्प आया, अब जो दादा थे जादव भाई, जिन्होंने अभी अभी शरीर छोड़ा, मुझे उनके बारे में संकल्प आया। मुझे पता है कि हम सब उनको मिस करेंगे, उनकी जो एनर्जी थी, उनका उमंग उत्साह। हर रोज रात को वो आएंगे, मेन्यू के बारे में बात करेंगे, बताएंगे कि इसे फिक्स करना है। तो मैं देने वो बॉक्स को देखा, मैंने कहा कि मैं सबको एक एक बॉक्स दूंगी। तो इस वजह से इस तरह के जो बॉक्स थे, जिसके अंदर जो जो भोजन की जो जो हमारी सेवा थी, तो इस वजह से जब मैं सोच रही थी कि जब मैं जादव भाई के बारे में सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि ये मेरा उनके साथ अटैचमेंट है या नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये अटैचमेंट है कि नहीं है? तो आप बताएं, जो सोचते हैं कि इसमें अटैचमेंट है, वो अपना हाथ उठाएं। मुझे लगा कि शायद मुझे भी अटैचमेंट है। हाँ, हम सबको है, क्योंकि काफी बार ये होता है कि आप कोई परिस्थिति से गुजर रहे हो और आपको संकल्प आता है, तो ये बहुत स्वाभाविक नहीं है कि आप हर किसी को कॉल करके बात करें, लेकिन आपकी मनसा सेवा है, आप ऐसा सोचते हैं कि मैं उनके लिए वाइब्रेशन भेजूं, मनसा सेवा करूं, ताकि वो आत्मा वो स्थिति से बाहर आए। लेकिन हर किसी के साथ हमारा रूहानी प्रेम होना चाहिए, रूहानी संबंध। एक अटैचमेंट होता है देह अभिमान के साथ। तो आप सबको क्या लगता है कि बाबा को हम सब के साथ अटैचमेंट है? नहीं, हाँ या नहीं? Everyone is under Baba's drishti, Baba's radar of drishti, every child. तो बाबा की दृष्टि के साथ हर एक बच्चा बाबा की दृष्टि के नीचे है। तो शुरुआत में जब बाबा बताते कि जब हम वहां से निकलते थे, तो बाबा इतना ज्यादा हमारे सबके लिए प्रेम महसूस करते थे। तो हम सब बाबा को कहते थे कि बाबा आप हमें भूलना नहीं। तो बाबा क्या कहते कि न विसरो न याद रहो। तो बाबा कहते थे कि हाँ, मुझे आपको भूलना है ना,
तो बाबा ऐसे कहते थे कि अगर मैं आपको याद रखूंगा तो मैं शिव बाबा को कैसे याद करूंगा। तो फिर तुरंत बाबा कहते थे कि मैं आपको याद भी नहीं रखूंगा और मैं आपको भूलूंगा भी नहीं। मतलब बाबा हमारे बारे में सोचेंगे जरूर, लेकिन ऐसा नहीं कि बाबा हमें भूल जाएंगे। तो सबसे पहले बाबा, बाबा के साथ हमारा कनेक्शन, और उसके बाद वो शक्ति, वो प्यार, वो प्रकाश हमें दूसरों को देनी है। तो जब मैं अपने बारे में सोच रही थी, ये कमल पुष्प के बारे में मैं सोच रही थी कि हम सबको ऐसे, तो चाहे हम बाबा की मुरली से एक या दो शब्द ले, उसकी गहराई में जाए, उस पे मनन चिंतन करें, उसे महसूस करें और समझे कि हम उसे प्रैक्टिकली कितना कर सकते हैं। जैसे एक दो शब्द भी पूरा एक चैप्टर बन सकते हैं। तो काफी लोग मुझे पूछते हैं कि हम ज्ञान का मनन चिंतन कैसे करें, तो ये बहुत सिंपल है। बाबा जो एक जितने भी एग्जाम्पल देते हैं, आप एक दो एग्जाम्पल लो। जैसे आज मैं अग्नि के बारे में सोच रही थी कि अग्नि के कितने अलग अलग प्रकार के से आती है, जैसे कि गैस है, सिकड़ी से है, तो कभी जो प्रकृति है वो भी ये अग्नि हमें हमें देती है, लेकिन अलग अलग प्रकार से हमें मिलती है, जैसे कोयले की है, सिकड़ी की है, गैस की है, कभी हम लकड़ी भी डालते हैं उससे हम लकड़ियों से हम जो अग्नि जलाते हैं, और वो उसकी आग जलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम उसको हवा देते हैं, जैसे कि पंखा लगा के उसे हम हवा देते हैं, कभी कभी हम पेपर भी यूज करते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि पूरे दिन में, पूरे दिन भर में हमें अटेंशन का पंखा, जैसे समय प्रति समय हमें ये याद की अग्नि को जलाने के लिए हमें उसको, अग्नि तो है लेकिन हमें उसे और ज्यादा प्रज्वलित करना है, और उसे प्रज्वलित करने के लिए हमें क्या करना है, पंखा देना है। और हम उसे हवा नहीं देंगे तो धुआं उठेगा, धुआं, लेकिन वो अग्नि बड़ी नहीं होती है। तो ये हमारा कल का होमवर्क है। पूरा दिन आप सोचते रहो कि पंखा क्या है, धुआं, अग्नि, इसके बारे में सोचते रहो, ये कैसे काम का कार्य करती है, ऐसे सोचो। तो जैसे मधुबन में जब हम बहुत सारी हजारों में हम चपाती बनाते थे, तो उसको हम सिकड़ी पे, जो लकड़ी की सिकड़ी है, उसके ऊपर हम तैयार रखकर फिर वो रोटी, इतनी सारी चपाती बनाते थे। तो हम बाबा के लिए फिर एक छोटी सी सिकड़ी होती थी, तो वहां पे हम एक 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 बाबा एक या दो चपाती खाते थे, तो हम बहुत ही उनके लिए नरम नरम, बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनाते थे। तो मैं ये सब क्यों आप सबको बता रही हूँ कि ऐसे हम चर्निंग करते हैं, हम ऐसे अलग अलग प्रकार से हम मनन चिंतन कर सकते हैं ज्ञान का। तो जैसे बाबा आज कह रहे हैं कि कल का हमारा जो होमवर्क है कि अटेंशन का फोर्स, तो जैसे मैं उसे फोर्स की बजाय पंखा कह रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि हम पंखा कैसे, हवा कैसे लगाते हैं आग को, तो जैसे बाबा ने कहा कि निरंतर हमें सहज योगी तो हो, सिर्फ इस याद की स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते रहना है। Anything you love, the mind goes there, mind goes there, mind goes often there. So when there is true love for Baba, तो जैसे हमारे संकल्प बहुत इधर उधर जाते हैं, लेकिन जब हमारा बाबा के लिए सच्चा प्रेम है तो वो हमारी याद हमेशा बनती है। तो अगर हम सोचेंगे तो हमें अपने आप के संकल्प को इतना शक्तिशाली और लगन की अग्नि हमें प्रज्वलित करनी है, और हमें अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते रहना है। हमारी जो पवित्रता है वो, और हमारे
श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और लगन की अग्नि इसे प्रज्वलित करेगी और उस अग्नि में सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। तो कितना किचड़ा होता है कि किसी ने कुछ किया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर क्या होगा, और उसके बाद फिर जो हम सोचेंगे और वही होगा, और फिर विहंग मार्ग की सेवा स्वतः हो जाएगी। तो क्या होगा जब हम ये श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और लगन की अग्नि से अग्नि को हम प्रज्वलित करेंगे, तो वो अग्नि से किचड़ा भस्म हो जाएगा, फिर हम जो सोचेंगे वही होगा, और फिर विहंग मार्ग की श्वेता सेवा स्वतः होगी। तो हमें अपने संकल्प को बहुत ही पवित्र बनाना है, और वो पवित्र संकल्प से हमें सारा किचड़ा भस्म करना है। तो कल क्या करना है, फोर्स है ना, पंखा, अटेंशन का पंखा, और जो प्रेम की अग्नि, हमें उससे हमें अपने किचड़े को भस्म करना है, अपने संकल्पों की शक्ति, हमारे संकल्पों की क्वालिटी भी हम बढ़ेगी। ओम शांति। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। सो ओम शांति अव्यक्ति परिवार। तो आज वापस से हम भाग्यशाली हैं कि हमारे एंजल ब्रदर एरिक आज भी और कल भी, तो आज भी और कल भी वो हम सभी के साथ हैं, तो हम इसका भरपूर लाभ लेना चाहेंगे और हम ब्रदर एरिक के साथ चिट चैट करेंगे। आप सबका अव्यक्ति परिवार में स्वागत है। तो आज ये चिटचैट एरिक भाई और दीदी के साथ है, उसके बाद भी आप सबके लिए कुछ स्पेशल है, तो आप सभी रुकिएगा चिटचैट के बाद। ओम शांति सबको, गुड इवनिंग। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। तो मोहिनी दीदी, मैं वापस आ गया। तो ये बहुत ही हमारी छोटी मुलाकात, लेकिन बहुत ही सुंदर है। तो एक शब्द जो मैंने सुना, लेकिन मैं ज्यादातर समझ नहीं पाया कि आपने क्या कहा। आपने कहा शास्त्र। तो जैसे जैसे कमल पुष्प, अग्नि, ये शास्त्र। तो जैसे आज की जो मुरली के बारे में मैं सोच रहा था कि आज बाबा ने कहा कि जो पक्षी आज की मुरली में बाबा ने कहा ना कि काग पक्षी, तो ये पक्षी जो है पंछी, उसके बारे में आपको। तो जैसे बाबा ने कहा कि जैसे हमारा मन जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो प्रकृति में ये सभी एंड जो भी सारे जीव जंतु जानवर प्रकृति सब कुछ, तो ये सब प्रकृति की ही पहचान है, प्रकृति की ही एक बनावट है। तो जैसे जो पक्षी होते हैं उनकी बहुत सारी कहानियां है, तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी कहानी बताऊंगी कि जैसे एक चिड़िया थी, तो एक बार वहाँ एक अग्नि जली, तो वहाँ पर जैसे जंगल में वहाँ पर आग लग गई, जैसे कैलिफोर्निया में भी और जैसे कनाडा में भी बहुत सारी आग लगती है, हम लोगों को काफी धुआं भी महसूस होता है कि जब कनाडा से इतना ज्यादा जब आग लगी थी तो धुआं आया। तो वहाँ इतने सारे जो जानवर है वो सब भागने लगे जब वहाँ जंगल में आग लगी तब। तो वहाँ पर एक चिड़िया थी, तो वो चिड़िया एक तालाब में गई और वहाँ उसने तालाब से एक थोड़ा सा पानी लिया अपनी चोंच में और जाकर उसने अग्नि के ऊपर वो पानी डालना शुरू किया। तो वहाँ के सारे जानवर हंसने लगे उसके ऊपर कि आपको क्या लगता है कि आप ऐसे ये पूरी अग्नि को बुझा पाएंगे, लेकिन चिड़िया ने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया और वो करती रही।
और थोड़ी देर के बाद बहुत बारिश गिरी और ये पूरी अग्नि बुझ गई। लेकिन कितनी सुंदर बात है कि चिड़िया छोटे छोटे प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके बाद ऐसे हुआ कि वो अग्नि पूरी बुझ गई बारिश की वजह से। तो ऐसा है कि ये ड्रामा, ये कहानी से ऐसे समझते हैं। I never knew it was a sister bird. I thought it was a brother bird, but this is nice news. You can, it is a Kumari bird. You can take in your way, brother bird. But then, तो जैसे ऐसे ही मजाक में, हंसी में कह रहे हैं ब्रदर एरी कि ये बहन चिड़िया या भाई पंछी इस तरह से। तो हम जैसे ब्रह्मा बाबा की कहानी है कि जब ब्रह्मा बाबा थे तब एक छोटी सी चिड़िया उनके पास आती थी। तो ऐसे बहुत से पंछी जो हैं उन सब की काफी अलग अलग कहानियां हैं। तो जैसे मुल्ले में भी बाबा कुछ ऐसे कहानी भी बताते हैं, और पंछी के बारे में ये भी है कि वो सब उड़ते हैं। तो हर एक पंछी है उन सब की अपनी अपनी एक विशेषता होती है। तो जैसे बाबा ने कहा कि कुछ पोपट कुछ कबूतर होते हैं, कुछ जैसे तोते होते हैं। तो बाबा जिस तरह से मुरली में आज सुबह कहा, तो एक और कहानी जो बाबा कहते हैं राजा जनक के बारे में कि क्या उनकी क्या कहानी है कि बाबा ने कहा मुरली में कि जैसे राजा जनक लेट थे इस वजह से वो त्रेता युग में आए, तो क्या उनकी कहानी है, उन्होंने क्या मिस किया। तो हम दूसरी तरह से अगर समझे कि जैसे राजा जनक की बहुत लंबी बहुत कहानी है, तो इसलिए हम सब दादी जानकी को जनक कहते थे, क्योंकि जनक वो राजा है जो सरेंडर या जैसे कहें ट्रस्टी थे, वो राजा थे और उन्हें उन्हें अपने उनको जीवन मुक्ति का अनुभव करना था। तो उन्होंने सब कुछ का त्याग किया और वो जंगल में गए। तो ऐसे कोई साधु आए, उन्होंने कहा कि मैं आपको मदद करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको एक घोड़े पे बैठने के लिए कहा। तो फिर राजा ने कहा कि मैं अपना घोड़ा लेकर आता हूँ, मैं उस पर बैठूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये घोड़ा तुम्हारा तो नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि आप ये छोड़ रहे हो। तो ये पूरी ऐसे कहानी है कि राजा जनक ने फिर ये महसूस किया कि सरेंडर, अपने आप को समर्पित होना क्या होता है। तो वो लेट क्यों हुए ये हमें नहीं पता कि क्या है वो कहानी उनकी। तो ये से बाबा भी एक कहानी बताते हैं कि जो सीता के जो पिता थे जनक एज, लेकिन जो संगम युग के जो जनक है वो एक दूसरा जनक है। तो जैसे दादी जानकी को हम जनक कहते थे, तो मैं जैसे ये समझता हूँ कि जनक तो फिर गोल्डन एज के ही होंगे, क्योंकि हम दादी जानकी को जनक कहते थे। तो मेरे पास एक दूसरा प्रश्न भी है, हम सभी इसके बारे में जो बात कर रहे थे। तो एक प्रश्न है कि निश्चय, तो कोई ऐसे पूछ रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वाकई में निश्चय है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपको बाबा के प्रति बहुत प्रेम है तो आप जीते जी मर्जी व जन्म आपका होता है। तो क्या निश्चय है आपकी समझ से? तो जैसे दीदी जी बता रहे हैं कि जब निश्चय होता है, जब कोई भी संशय डाउट कोई भी प्रश्न नहीं होता, तो जैसे निश्चय एक शक्ति है। तो अगर हमारे अंदर निश्चय है तो हमारे अंदर निश्चय है और शक्ति है। तो अगर हम वो निश्चय को अगर हम यूज नहीं कर रहे तो हमारे अंदर कमजोरी है। तो जैसे एक कहानी है कि काफी जैसे पहले कुछ ऐसे कहानी है, तो जैसे बाबा ने मेरी ओर देखा और कहा कि पूछा मुझे कि बच्ची आपको निश्चय है?
तो फिर बाबा ने कहा कि अगर आपको निश्चय है तो आपको फिर डर क्यों है, भय क्यों है? तो निश्चय मतलब निश्चय, संपूर्ण निश्चय। निश्चय मतलब उसमें कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, कोई डर नहीं, कोई भी। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि निश्चय में कुछ ऐसे परसेंटेज होते हैं, तो जैसे हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो एक एक कदम के अंदर निश्चय और हमारे अंदर हिम्मत भी होती है। तो जब तक हमारे अंदर हिम्मत और निश्चय नहीं है तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो परिवर्तन के लिए हिम्मत और निश्चय दोनों होना जरूरी है। तो आप दीदी जैसे बताएं कि जब आप शुरुआत में थे, जब आपको पहले से ही निश्चय था या धीरे धीरे निश्चय बढ़ा? तो जैसे दीदी ने कहा कि नहीं, मुझे पहले से निश्चय था। तो एक बार मैं ब्रह्मा बाबा के साथ बैठी हुई थी, तो बाबा ने जैसे कहा, बाबा ने कुछ कहा कि हम सब ने कहा बाबा को कि हमें 100% निश्चय है बाबा पे। तो बाबा ने कहा कि नहीं, 100% नहीं है, 70% है। तो हम सब सोचने लगे कि हम सब ने घर छोड़ा, हमने सब कुछ छोड़ा, तो सिर्फ हमारा 70% निश्चय है। तो फिर बाद में हमें समझ के में आया कि बाबा जो कहना चाह रहे थे उसका मतलब ये है कि हम सबको 100% निश्चय तो है, लेकिन हम उसे यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ 70% यूज करते हैं। एक तो निश्चय है कि हमारी बुद्धि में जो निश्चय है, तो निश्चय एक अलग है, लेकिन जो मन और बुद्धि का जो निश्चय है उसमें कभी कमी हो जाती है। तो जैसे आज पापा ने मुरली में ये भी कहा कि आप मुझे जितना ज्यादा याद करोगे तो इतनी ज्यादा शक्ति और फोर्स और वो एनर्जी महसूस होगी। तो वो किस तरह का पावर है और किस तरह की जैसे आपको शक्ति महसूस होती है कि हम 100% चार्ज हो जाते हैं जब हम बाबा को याद करते हैं? तो जैसे जब मुझे निश्चय होता है और निश्चय के आधार पर जो संकल्प उठता है तो वो शक्ति है, और अगर निश्चय नहीं है तो मैं कंफ्यूज हूँ, मैं कमजोर महसूस करती हूँ। तो जो शक्ति है तो वो शक्ति निश्चय से आती है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये जो संकल्प है उसके अंदर शक्ति है, तो उससे मुझे हिम्मत मिलती है। तो शक्ति हमारे संकल्पों से ही हमें महसूस होती है। तो आज क्या सरप्राइज है कि सब लोग जानते हैं कि हम सब टोरंटो में हैं, सबको पता है। तो टोरंटो में बहुत सबकी बहुत सारी विशेषता है, और ये विशेषता है कि टोरंटो में बहुत सारे कुमार है, ज्यादातर जितने ज्यादा सब कनाडा के सेंटर्स हैं। तो कनाडा में जितने सेंटर्स है सबको लगता है कि हमें भी इतने सारे कुमार हमारे सेंटर पे हो। तो आज हमारे पास सब कुमार है, और हमारी बहुत अच्छी आज डिस्कशन हुई थी सब कुमार के साथ, लेकिन आज हमारे पास मधुबन से एक बहुत ही स्पेशल कुमार जो उपस्थित हैं, और मैंने ये कुमार को बहुत सारे वर्षों से देखे हैं। उनको मैंने लंदन में भी मैं उनको मिला हूँ, वहाँ पे इंडिया में भी, कि वो मधुबन निवासी है। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे वो भगवान के घर पे रहते हैं, तो मैं काफी उनसे दूरी रखता था, लेकिन हम बहुत आज भाग्यशाली हैं कि ब्रदर आदिराम जो यहाँ पर हैं, तो मैं आदिराम भाई को यहाँ पे स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। तो आज आदिराम भाई और मैंने कुमार के साथ बहुत सारी चिट चैट की, तो मैं अभिराम भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब कुमार को बुलाते हैं और उनके साथ फिर हम चिट चैट करेंगे। तो ब्रदर अभिराम बाबा के साथ 40 वर्षों से भी ज्यादा वर्षों से बाबा के साथ हैं। तो हम ज्ञान सरोवर में अभिराम भाई से मिले हुए हैं,
तो आज उन्होंने कुमार के साथ भी अपनी स्टोरी शेयर की, तो आप हम सभी के साथ भी वो स्टोरी आपकी शेयर करें। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे कुमार उपस्थित हैं, और कुमार के बारे में क्या विशेषता जो आपको महसूस होती है, आप अपने अनुभव हम सभी के साथ शेयर करें। ओम शांति। I think Baba always says Kumars and Kumaris have wonderful, wonderful power. तो जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि कुमार कितने शक्तिशाली हैं। बाबा कहते हैं कि हम सब कुमार पूरी गवर्नमेंट को भी हम चुनौती दे सकते हैं। हम सब कुमार हमेशा निमित हैं, निर्माण है। तो जैसे मैं समझता हूँ कि कुमार मतलब हम सबके अंदर काफी जैसे अहंकार, जैसे एनर्जी, बहुत शक्ति, एक संकल्प है जिस तो थॉट के द्वारा हमारे अंदर जो शक्ति महसूस होती है। तो जैसे हम काफी जवान खून है, काफी गर्म होता है, और वो काफी शक्तिशाली होते हैं कि वो एक पत्थर को भी पिघला सकें। इस तरह के जो कुमार जिनमें इतनी शक्ति होती है, तो जैसे जो कुमार के अंदर इतनी शक्ति है, वो शक्ति वो सेवा के क्षेत्र में कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल है कि कोई अगर कुमार को आके कहे कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो कुमार कहेंगे कि नहीं, मैं जंप करके बताऊंगा। या अगर कोई कहे कि आप नहीं कर सकते, तो हम करके बताएंगे। तो कुमार में ऐसा जोश होता है। तो जैसे बाबा कहते हैं कि जब आप करोगे तो आप समझोगे। तो जैसे बाबा मुरली में कहते हैं कि समझा मतलब समझे। तो जैसे जगदीश भाई कहते थे कि नहीं, हमने नहीं समझा है, इसलिए बाबा बार बार पूछते हैं कि समझा समझा। इसका मतलब यह है कि हम नहीं समझे हैं, इसलिए बाबा पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर हमारे अंदर जो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, और हमारी पवित्रता की जो शक्ति है कुमार के अंदर, तो ये बहुत ही गहरी और बहुत ही बड़ी ऊर्जा है। तो हमें समझना है कि हमें ये ऊर्जा को, ये शक्ति को अपने जीवन में कैसे यूज करना है। तो जैसे हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपने शहर को छोड़कर हम बाबा के पास आते हैं, और बाबा के पास आने के बाद अगर हम अपने आप को छोटी छोटी चीजों में व्यस्त कर दे और फंसा कर रखें, और बड़ी बड़ी जो हमें प्राप्ति है उसकी हम महत्वता को नहीं समझें। तो जैसे मैं पहले सोचता था कि बहुत सादगी से और बहुत ही उच्च जीवन जीना चाहिए, तो जब हम बहुत ही सादगी से जीवन जीते हैं, तो हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, कुछ ज्यादा संकल्प नहीं कि जो बाबा देंगे वो हम खाएंगे। तो मैंने हमेशा ये अनुभव किया है कि मुझे जो भी चाहिए बाबा हमेशा देते हैं, और जो मुझे चाहिए वो बाबा नहीं देते हैं, लेकिन जो मेरे लिए है वो बाबा हमेशा मुझे देते हैं। तो इसलिए मैं कभी भी किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मैं इसको योग पावर भी कहूँगा कि जो हम इच्छा रखते हैं वो हमें बाबा दे देते हैं। तो मैं ये सभी कुमार को भी कहूंगा कि आप सबके अंदर बहुत उत्साह है, बहुत ऊर्जा है, तो आप इसको सही मायने में अपनी शक्ति को आप उपयोग करें। तो जैसे एक कहानी है कि हम जो भी कुमार को कुछ करने के लिए कहते हैं, तो जैसे फिजिकली मतलब देही तौर पे उनके अंदर बहुत शक्ति होती है, लेकिन जैसे भाई के अनुभव से ये समझ में आता है कि उनको बाबा के लिए बहुत बहुत प्यार है। तो
तो उन्होंने अपना एक अनुभव बताया था कि वो बाबा के लिए उन्होंने एक गीत तैयार किया था. वो गीत गाते हुए वो महा बाबा की पहाड़ी पर गए थे. तो हम आपको वो गीत गाने के लिए पूछेंगे. तो ऐसे ही हंसी में भाई कह रहे हैं कि कुछ बाल नहीं है तो बहुत ही यंग कुमार है. तो मैं यहाँ पर ये सब जो कुमार जिनके साथ हमारी सुबह चिट चैट हुई थी वो सब कुमार को मैं यहाँ पर स्टेज पर बुलाना चाहूंगा और आप सब यहाँ पर आके अपने अपने एक एक संकल्प शेयर करें. तो सब कुमार आए और हमने जो सुबह उनके साथ चिट चैट की वो अपने एक एक संकल्प एक एक पॉइंट वो चिट चैट के शेयर करें. तो आज हम कुमार के लिए कर रहे हैं. एक बार हम कुमारी का दिन भी रखेंगे. तो आप सब ये सब कुमार के लिए एक हाथ की ताली बजाएं. सो टोरंटो में और कुछ और भी कुमार हैं और उनके साथ मेरा बहुत ही सुंदर एक रूहान हुई थी सुबह. तो आप सब माइक लें और आप सब अपने एक एक संकल्प शेयर करें कि डिस्कशन में आप सबने क्या सुना. तो हम पहले एक भाई से शुरू करते हैं. वो अपना अनुभव अपना पॉइंट देंगे. अच्छा तो पल्लव भाई अपना अनुभव शेयर करेंगे. ओम शांति. तो आज सुबह एरिक भाई ने कहा कि जब वो दीदी को देखते हैं और उन्हें ये संकल्प आता है कि दीदी ने कितने सारे त्याग किए और वो खुद इतने त्याग नहीं करते हैं. और जैसे दीदी 11 दिन के लिए यहाँ आए हैं, दीदी बैठते हैं, तो दीदी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं. तो हमें उनकी तरह बनना है कि हम सबको लगता है कि हम कि कभी होता है कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मजा आएगा, हमें क्या चाहिए. तो हमें उनकी तरह बनना है जिन्होंने इतने सारे त्याग दिए हैं. तो हमें दीदी और एरिक भाई की तरह बनना है. तो दीदी ने कहा कि त्याग है लेकिन हमें यहाँ पे कि तो दीदी ने कहा कि हमें यहाँ पे हम सेलिब्रेट भी करेंगे, मजा भी आएगा. लेकिन दीदी का है कि रूहानी एक स्पिरिचुअल होता है लेकिन हम सबको अपने देह से बाहर होके उनकी तरह ही एंजॉय करना है. तो एक और पॉइंट है जो अभिराम भाई जैसे उन्होंने कहा कि जैसे मधुबन के जो कुमार है उन्होंने अपने आप को कैसे समर्पित किया, वो पापा के पास कैसे आए, उन्होंने दादी या सीनियर जो सिस्टर्स हैं उनके साथ उन्होंने क्या महसूस किया और वो परिवार का एक हिस्सा बन गए. तो उनको तुरंत ही एकदम निश्चय हुआ वो पापा के बन गए, परिवार का हिस्सा बन गए. तो उनके लिए कुछ भी ये महत्व नहीं रखता कि उनके पास कौन आसपास है, उन्हें क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने आप को जैसे समर्पित किया और अपने संस्कार पे काम किया. तो मैं भी उनकी तरह विराम भाई की तरह ही मैं अपने पुराने संस्कार पे काम कर अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ. तो ओम शांति. आज का जो ब्लेसिंग है और हमने आज ब्लेसिंग के बारे में भी डिस्कस किया कि हम जो आकर्षण है, बाहरी आकर्षण है, उससे हम अपने आप को कैसे मुक्त कर सकते हैं. तो जैसे ब्लेसिंग में बाबा वरदान में बाबा ने कहा कि अगर हमें योग्यता अपने अंदर लानी है तो हमें हमेशा एक ये सोचना है कि एक बाबा दूसरा ना कोई. अपने मन और बुद्धि में हमेशा ये निश्चय रहे कि एक बाबा दूसरा ना कोई.
कि जैसे कोई सेवा करते हैं हम कभी किसी की विशेषता से हम आकर्षित हो जाते हैं. तो जैसे बाबा ने भी हमें जवाब दिया कि हम जितना ज्यादा साक्षी बनेंगे और हम जितने ज्यादा साक्षी बनेंगे तो हम किसी की भी विशेषता में फंसेंगे नहीं. तो आज के डिस्कशन से मैं अपने लिए ये पॉइंट धारण करता हूँ. ओम शांति. सो हम सब कुमार को आज पे बहुत अच्छा चिट चैट हुई थी. तो एरिक भाई और अभिराम भाई ने अपने जीवन के अनुभव बताए और हम सब ने बहुत सीखा उससे. तो जैसे अभिराम भाई ने कहा कि वो बहुत सारी सेवा करने के बाद वो कैसे योगा करते थे. तो कभी जैसे होता है कि हम सेवा करते हैं, हम थक जाते हैं और हम घर चले जाते हैं. तो उन्होंने कहा कि वो क्या करते थे, कि वो योगा कैसे करते थे और कैसे उन्होंने बैलेंस रखा अपने जीवन में सेवा, योगा और योग का. ओम शांति. तो अभिराम भाई ने एक और पॉइंट शेयर किया कि अगर हमें पुरुषार्थ में कोई भी कठिनाई आती है तो हम दादी की क्लासेस सुनते थे, दादी से डिस्कस करते थे, ब्लेसिंग लेते थे. तो मेरे साथ भी ऐसे है कि मुझे कोई भी अगर परिस्थिति आती है तो मैं सावी बहन अरविंद भाई के पास जाता हूँ, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ. तो कुछ भी अगर गलत होता है तो मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे मैं सजेशन लेता हूँ. तो ये कुमार है वो कह रहे थे कि तो अभिराम भाई ने ये भी कहा कि जब मैं सेवा करता था और जब मैं अपसेट होता था तब मैं बाबा की मुरली सुनता था. तो मैं काफी 3-4 हफ्तों से मैं भी ये करता हूँ कि अगर मुझे कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं बाबा के गीत गाना शुरू करता हूँ और मुरली पढ़ना शुरू करता हूँ. और फिर बाद में मुझे पता भी नहीं चलता कि मैंने इतने सारे बड़े बड़े बर्तन, 50 मैंने बड़े बड़े बर्तन धो दिए. ओम शांति. तो आज अभिराम भाई ने बहुत सारी जो अपनी कहानी सुनाई, उन्होंने हम सबको बहुत ही प्रेरणा दी. और जैसे दादी जी ने सब कुमार को, सब भाइयों को कैसे पालना दी, तो इस वजह से उन्हें कुमार का दादी कहते थे, स्पेशली सब भाइयों को. कि जैसे दादी जी पूरे यज्ञ की जो हेड थे, उसके बाद भी वो हर एक ब्रदर के साथ, कुमार के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती थी. तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि मधुबन निवासी जो इतने एक्यूरेट है, जो सुबह से रात तक वो इतनी सेवा करते हैं और उसमें इतने एक्यूरेट है, क्योंकि दादी जी ने उन सबको एक एक को विशेष पालना दी है. ओम शांति. तो पार्थ बहुत अच्छा गीत गाते हैं जब वो डिशेस को वॉश करते हैं. तो आज एरिक भाई और अभिराम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज हम सबके साथ टाइम स्पेंड किया. तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि उनको जब परिस्थिति आती है और वो उसको कैसे पार करते हैं. तो मैंने ये सीखा कि हमें कैसे प्रयोग करना है, क्योंकि सबकी कहानी अलग अलग होती है. तो हमें अपने आप को प्रयोग करना है. सबकी अपनी कहानी है, अलग परिस्थिति होती है, अलग तरीका होता है. तो जब हमारी जब परिस्थिति आती है, हमें अलग अलग ज्ञान के प्रयोग करना है और बाबा के साथ हमें कनेक्ट रहना है. ओम शांति. तो हाँ, बहुत सारी कहानियां जो हमने सुबह सुनी और उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे उन्होंने शेयर की कि एक इमीडिएट सीनियर थे जो उनके, जिनके साथ वो सेवा करते थे. तो वो सेवा जो करते थे तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ करूं तो भी वो मुझे डांट होती थी, और अगर मैं कुछ नहीं करता था तो भी वो मुझे कहते थे कि आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, और अगर मैं कुछ करता था तो भी वो कहते थे. तो जैसे हम सबके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कहीं ना कहीं. तो प्रश्न ये कि आप ये सब ऐसे परिस्थिति को आप कैसे हैंडल करोगे. तो ये सबसे बड़ी चुनौती है. तो इस वजह से हम सब यहाँ है.
तो थैंक यू एरिक भाई, थैंक यू अपना अनुभव शेयर करने के लिए. यू नीड टू अटेंड द क्लास. तो किसी ने पूछा कि कौन थे, तो उन्होंने कहा कि आपको क्लास अटेंड करना है. तो प्रश्न ये है कि हमें हमेशा रास्ता ढूंढना है. कोई भी परिस्थिति है, कोई आत्मा जो हमें अलग अलग परिस्थितियां हमें चुनौती देती है अपने संस्कार की वजह से, तो हमें अपना रास्ता निकालना है, ढूंढना है. कि जीवन में कुछ चीजें हैं, कुछ परिस्थिति, कुछ आत्मा के संस्कार है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते. लेकिन उसका उत्तर क्या है कि हमें अपने आप में चेंज करना है. और दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे ही मैं ज्ञान सरोवर गया, तो ज्ञान सरोवर बिल्कुल खाली था उस समय, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था उस समय. तो जब मैं ज्ञान सरोवर एंटर हुआ, तो तब मुझे महसूस हुआ कि ये मेरा घर है. तो जब आप उसे अपना घर समझते हो, तो वहां पर चीजें अपने आप बदलना शुरू हो जाती है. तो जैसे मैं मेरे जीवन में बहुत अलग अलग सेंटर्स पे गया हूँ, लेकिन मैं जैसे ही कोई भी बाबा के घर पे अगर मैं एंटर होता हूँ, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि ये मेरा घर है. कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो सेंटर में एक दिन रुका हूँ, एक हफ्ता, एक महीना, लेकिन मैं उस सेंटर में एंटर हो तो मैं सोचता हूँ कि ये मेरा अपना घर है. तो ओम शांति. तो जो सॉल्यूशन हम बता रहे हैं कि जो ब्रदर ने अपनी जो परिस्थिति बताई, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है कि सीखना है, समझना है, साक्षी होना है, और हमें उसे उपराम जाकर आगे जाना है. जो उन्होंने अपनी कहानी बताई, उससे मैं ऐसे समझता हूँ. तो जो डिस्कशन इतना ज्यादा कैजुअल था, हमने सबने काफी, हम लोग ने हंसे हैं उस डिस्कशन में. हम हंस रहे थे, मस्ती मजाक हम सुन रहे थे. तो परिस्थिति है, ये प्रश्न है, 5 मिनट हंसे, फिर हमने चिट चैट किया, फिर हमने वापस से ज्ञान की चर्चा की. तो बहुत मजा आया सबके साथ. हम सब बहुत हल्का भी मैंने महसूस किया, हंसे भी और ज्ञान भी समझा. तो बहुत मजा आया सुबह. सो देन थैंक यू. तो आई थिंक सब ब्रदर एक गीत गा सकते हैं और एरिक भाई शुरुआत करेंगे. अभिराम भाई शुरुआत करेंगे, तो एक या दो लाइन अभिराम भाई गाएंगे और उसके बाद फिर सब कुमार उनको साथ देंगे. तो हम सब तोते बनेंगे, तोते बन के जो कहेंगे हम सब उसको रिपीट करेंगे. तो मुझे मुरली का एक सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है. जब दादी चंद्रमणि जी थे तब मैं ये गीत बहुत गाता था. तो जैसे क्या मैं महसूस करता हूँ और मैं जब बाबा से क्या बात करता हूँ. कौन करेगा उतना, कौन करेगा उतना. गाओ आप लोग. हमने तुझसे प्यार किया है इतना, करेगा उतना, कौन करेगा उतना. Eric, Mike, can I say something? When they finish, yes. I want to say. चलो हो गया. I don't know that song. Time हो. बचपन के दिन बुलाना देना. So when I don't see the salvation, what can I do? How can I do? And how I react? That time I use the song of blind.
नैन हीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग टोकर गाऊं मैं, नैन हीन को राह दिखाओ प्रभु, तुमरी नगरिया में कठिन डगरिया, तुमरी नगरिया में कठिन डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं प्रभु, नैन हीन को राह. सो इन दिस सॉन्ग द लाइन कम्स, at least once you hold my hand that I can light my, ignite my intellect. So like that song. So Baba always says, don't forget your childhood days. Bachpan ke din bula na dena, bachpan ke din bula na dena, aaj hase kal rula na dena, से कल रुला न देना. बचपन के दिन बुला न देना. थैंक यू ब्रदर्स, थैंक यू, थैंक यू. ओम शांति. सॉरी वेंट अ बिट ओवर आवर टाइम भूमि जी, बट ओके. थैंक यू ब्रदर्स, कांग्रेचुलेशंस, एंड we are waiting for the night for the sisters very soon to share. Thank you couples very much, everyone. Really appreciate. Couples are invitation request that we left over always. So to sabke saath ye jo yugal hai wo sabki request hai ki hum sab chhut jate hain, to hum sabko yugal ki request hai ki sab ki कि हम सबको दीदी के साथ क्वेश्चन. तो दीदी अनुभव बता रहे हैं कि जब मैं शांतिवन जाती हूँ और मैं जब वहाँ रहती हूँ तो वहाँ पर मैं कुमार की बहुत ही सराहना करती हूँ कि वो जिस तरह से किचन में हर एक डिपार्टमेंट में जितने भी कार्य होते हैं वो सब ब्रदर्स के, कुमार के द्वारा होते हैं. तो मैं उनकी स्टोरी पूछती हूँ तो ज़्यादातर वो सभी दादी प्रकाशमणि जी के समय से समर्पित हुए हैं. तो एक भाई है जो जहाँ मैं रहती हूँ उसके पास रहते हैं, उनका नाम है धीरज भाई. तो उनका डिपार्टमेंट जो है जो ये वेजिटेबल सब्जियाँ और मिल्क पर जो खरीदते हैं, तो 11 बजे से वो ट्रक भेजते हैं. तो कभी अगर उनके पास ज्यादा लगेज है तो वहां से कभी वो ट्रेन से या फ्लाइट से आते हैं. तो उन्होंने बताया अपने अनुभव में कि मैं जब 15 साल का था तब मैं मधुवन में आया और दादी जी ने कहा कि वापस मत जाओ, यहीं पे रह जाओ. और मैंने कहा ओके. तो उनके जो दादा थे, उनके जो पिताजी थे, वो यज्ञ में बहुत सेवा करते थे. तो तब से वो बहुत सारे डिपार्टमेंट को देखते हैं. तो जैसे मैं महसूस करती हूँ कि ज्यादातर जो कुमार हैं उनके लिए कि जैसे परिवार में लौकिक में कि लड़के जो होते हैं कुमार बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो उन वो कमाई करते हैं. कि जैसे जैसे बेटे के लिए कहते हैं कि उनकी अंतिम यात्रा भी बेटा करेगा. लेकिन यहाँ पे यज्ञ में इतने सारे युवा, ज्यादातर वो 40 साल के हैं, 50 साल के हो गए हैं या कुछ 60s में हैं. तो जैसे एक भाई जो राजू भाई हैं जो आए थे यहाँ पर, तो ये सब जो स्टोरी से इतना ज्यादा उनको महसूस होता है कि जब वो आए थे और दादी जी सेड रुक जाओ, लाइक दादी जी ने कहा कि रुक जाओ. तो जैसे उनके पिताजी थे जो काफी गांव में बहुत अच्छा उनका पद था, लेकिन जैसे ही बाबा ने उनको सेवा, जब वो राजू भाई से यज्ञ में आए तो उनकी जो जो सेवा थी वो बहुत ही ज्यादा, जैसे लॉन्ड्री की थी, सफाई की सेवा थी.
तो उनके पिताजी ने उन्हें कहा कि आपको क्यों वहां पे जाना है जबकि आपके पिताजी इतने इतने पैसे वाले हैं। तो लेकिन फिर राजू भाई की बाद में सेवा हुई मुरली लिखने की। अभी हम जो अव्यक्त इशारे जो मिलते हैं वो भी राजू भाई द्वारा ही आते हैं। तो अभी वो बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं। तो उनकी कहानी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जब वो अपनी अपनी स्टोरी जब वो बता रहे थे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि वो बहुत सारी योग के अभ्यास करते हैं वहाँ। राजू भाई उनका अपना ग्रुप है, तो जैसे वो योगिक खेती भी करते हैं, तो जैसे यहाँ पे भी है ना कि वो सब खेत में जैसे योग करते हैं, तो जो एग प्लांट जो बैंगन होते हैं वो भी बड़े होते हैं। तो मैंने जब सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो जब मैं शांतिवन जाती हूँ, बहुत बहुत कुमार आते हैं और मैं उनसे पूछती हूँ कि मुझे आपकी कहानी बताए, तो उन्होंने बहुत त्याग किए हैं कुमार ने, लेकिन वो सब खुश हैं सब। लेकिन मैं बहुत ही खुश होती हूँ उनकी कहानी सुनकर, सभी कुमार की। तो ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू एरिक भाई। थैंक यू अभिराम भाई और सभी कुमार। आप सबकी शेयरिंग सुन के बहुत ही अच्छा लगा। तो व्यक्ति परिवार, हम अभी टोरंटो में कुछ और दिन है तो हम और भी सुनेंगे। तो अब हम अव्यक्त मुरली करते हैं। कल का स्केड्यूल सेम रहेगा, 3 से 4:45 अमृत वेला हिंदी मुरली और अव्यक्त जर्नी। तो अव्यक्त मुरली रिवीजन फरिश्तों के दिल से रूह रेहान। शांति। ओम शांति। 3 जून 1971, ये 3 जून 1971 की मुरली है। निरंतर योग युक्त बनने के लिए कमल पुष्प का आसन। आज का दिन कौन सा है? बट्टी का दिन है। बट्टी के दिन को कौन सा दिवस कहते हैं? भट्टी के आरंभ का दिन अर्थात जीवन के फैसले का दिन है। भट्टी में किस लिए आती हो? जीवन का सदाकाल के लिए फैसला करने। सभी इस लक्ष्य से आई हो क्योंकि भट्टी में आने से बाप दादा द्वारा वा अनन्य बच्चों द्वारा एक गिफ्ट मिलती है। वह कौन सी है? जो चीज मिलती है सुनाना भी सहज होता है। दो चार ने अपना अपना विचार सुनाया। जो भी बातें सुनाई हैं, उन सभी बातों की प्राप्ति का आधार कौन सी गिफ्ट है? वह है बुद्धि का परिवर्तन। रजोगुणी व व्यक्त भाव की बुद्धि से बदल सतोगुणी अव्यक्त भाव की दिव्य बुद्धि। जिस दिव्य बुद्धि की प्राप्ति से ही अव्यक्त स्थिति व योग युक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो गिफ्ट कौन सी हुई? सतोगुणी, दिव्य सतोगुणी बुद्धि। बुद्धि के परिवर्तन से ही जीवन का परिवर्तन होता है। तो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट विशेष भट्टी में प्राप्त होती है। अब उस गिफ्ट को यूज करना व सदाकाल के लिए कायम रखना, यह अपने हाथ में है। लेकिन गिफ्ट सभी को प्राप्त होती है। जो भी भट्टी में आए हैं, दिव्य सतोगुणी बुद्धि की गिफ्ट द्वारा अपने को बहुत सहज और बहुत जल्दी परिवर्तन में ला सकते हैं।
तो आज का दिन जीवन परिवर्तन का दिन है. तो आज के दिन जो गिफ्ट प्राप्त होती है उसको धारण करते रहना. ज्ञान तो सुनती ही रही हो लेकिन भट्टी में क्या करने आती हो. ज्ञान स्वरूप बनने के लिए आती हो. योग की नॉलेज व योग का अभ्यास भी करती आई हो लेकिन भट्टी में आती हो सदा योग युक्त होकर रहने का पाठ पक्का करने के लिए. Constantly योग युक्त निरंतर योग युक्त बनने के लिए कौन सी सहज युक्ति भट्टी द्वारा प्राप्त करनी है. हठ योगी जो हठ या तपस्या करते हैं तो तपस्या के समय आसन पर बैठते हैं. They have a variety of seats. भिन्न भिन्न आसन होते हैं. तो आप लोगों के लिए सदा योग युक्त बनने के लिए कौन सा आसन है. निरंतर योग युक्त अवस्था सहज रहे इसके लिए बाप दादा सहज आसन बता रहे हैं. वह है कमल पुष्प का आसन. कमल आसन कहती हो ना. देवताओं के जो चित्र बनाते हैं तो उसमें किस पर खड़ा हुआ व बैठा हुआ दिखाते हैं. कमल के ऊपर. तो निरंतर कर्म करते हुए भी सहज योग युक्त बनने के लिए सदैव कमल आसन अर्थात अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखेंगे तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे. लेकिन कमल का पुष्प बन इस आसन पर इस स्थिति में रहने के लिए क्या करना पड़े. अपने को लाइट बनाना पड़े. हल्का भी और प्रकाश स्वरूप भी कमल का पुष्प कितना ज्ञान युक्त है. कमल पुष्प को देख ज्ञान की स्मृति आती है ना. तो कमल आसन पर विराजमान रहने से सदा योग युक्त बन सकती हो. आसन कभी नहीं समय कायम रहेगा. अगर इस आसन पर नहीं बैठ सकती हो अर्थात इस स्थिति में स्थित नहीं हो सकती हो तो सिंहासन को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगी. तो राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए पहले कमल आसन पर स्थित रहने का अभ्यास करना पड़े. तो हम कल कंटिन्यू करेंगे. ओम शांति. रूहों